मैं बताती हूँ ये सब ये क्यों कर रही है। इसकी माँ की शादी टूट गई और ये अभी तक कोई ढंग का लड़का फंसा नहीं पाई है। इसी बात का फ्रस्ट्रेशन है इसे। खुद तो बिना शादी किए घर पे बैठी है और चाहती है कि दुनिया की सारी लड़कियां इसी की तरह घर पे बैठे, उनकी भी उम्र ढल जाए। ये चाहती नहीं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसका घर बसे, इसीलिए ये सब कर रही है। हाउ चीप! तेरा बाप धोखेबाज निकला, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तेरी जिंदगी के दुख तेरे अपने हैं। तेरी शादी नहीं हो रही है तेरे अपने कर्मों की वजह से, तू जिम्मेदार है। और क्या पता, शायद तेरा बाप तेरी मां को तेरी वजह से ही छोड़ गया हो, तेरा बोझ ढो ढो के तंग आ गया हो और छुट्टा पा लिया उसने। पता नहीं ये हमारे गले कहां से पड़ गई। जल्दी है ये मेरी बेटी से। ऐसा नहीं है मैम। शट अप। एक शब्द और नहीं, लीव, जस्ट लीव। नहीं आंटी जी, एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं है। जब निम्मी कोई मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस लड़की को ब्लेम करके क्या फायदा। राजीव, आज इसने कुछ कह दिया, निम्मी ने उसकी बात मान ली, कल को कोई और कुछ बोलेगा तुम फिर मुझ पर शक करोगी। नहीं राजीव, प्लीज डोंट से दिस, आई ट्रस्ट यू। नो नो, लिसन, आई थिंक मेरा ही सिक्का खोटा है। मेरा प्यार कमजोर है ना। डोंट से दिस प्लीज, आई ट्रस्ट यू राजीव। इट्स ओके। राजीव, I'm really sorry bro. निम्मी की बात आती है ना तो पता नहीं मुझे क्या होता है, जस्ट कांट कंट्रोल myself. I'm sorry. ब्रो तू सॉरी क्यों बोल रहा है? तेरी जगह अगर मैं होता और निम्मी मेरी बहन होती है तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। इट्स ओके, तू सॉरी मत बोल। निकलो यहां से, और हो सके तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हम में से किसी को। नहीं नहीं विराट यार, इसकी जरूरत नहीं है। आंटी जी आप समझदार है, आप समझिए ना, ये गरीब लोग हैं, हम जैसों की वजह से इनका घर चलता है, इनके पेट पे लात मत मारिए। आप चैरिटी करते हैं, मैंने आपको देखा चैरिटी करते हुए। सोचिए ना, आपने चैरिटी कर दी, इसको जॉब पे रख लिया, एंड आई एम टोटली फाइन विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तू ये बोल रहा है कि ना बड़ा दिल है तेरा। बेबी सच बताओ ना, ये सब मैंने दिलदार अंकल से सीखा है। अंकल आप बताइए, ऐसे लोगों के लेवल पे नीचे गिरना हमें शोभा देता है क्या? मन में किसी के लिए गुस्सा मत रखो, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है और सच्चे प्यार से ही तो फैमिली बनती है। आंटी, I'm really sorry. निम्रत, I'm really sorry. ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हो सके तो मुझे प्लीज माफ कर देना। अब मैं चलती हूँ। तारा, एक मिनट। निम्रत, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं तारा को ड्रॉप करके आ सकता हूँ, क्योंकि वो होटल में रुकी हुई है ना, घर पे नहीं। तुम? Of course. जाओ। थैंक यू, आई सी यू सून।
ओ अमृता अमृता अमृता, वन सेक। यार अच्छा हुआ तुम यही सीढ़ी पे मिल गई, वरना हमें नीचे तक आना पड़ता, तुम्हारे लेवल तक। वैसे तुम क्या सोच रही थी ऊपर, हाँ मुझे एक्सपोज कर दोगी हमें भी? यू फूल, मैंने तुम्हें उस दिन देख लिया था, गाड़ी के पीछे ऐसे खड़े होके मुझे देख रही थी। हाँ यू नो व्हाट, जितनी नजर तुम्हारी मेरे पे रहती है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरी तुम पे रहती है, तो तुम मुझे कभी मात दे ही नहीं पाओगी। तो ये सपने है ना, देखना बंद कर दो। तुम लोगों ने ना ऐम ही स्यापा खड़ा कर दिया। और नहीं तो क्या, वो भी उस लड़की की बात तुम्हें आकर। अरे राजू लाखों में एक है, अभी उसे उस लड़की पर, उस बैंकर पर दया आ रही थी, और आप लोगों की। I'm sorry mom, sorry baby. आई होप राजीव मुझे माफ कर दे, बहुत बहुत हर्ट कर दिया मैंने उसको। पुत्र सब ठीक हो जाएगा। मॉम आई एम सॉरी टू, मुझे राजीव को ऐसे। अब क्या फायदा विराट, इसीलिए कह रही थी दूर रहे उस बैंकर से, हो गया ना नुकसान, शादी टूटते टूटते बची है निमी की। बेटा यू बेटर मेकअप टू हिम। बेबी अब ये क्या करेगी? वेट वेट, मैं बताता हूं ना क्या करेगी, मेरी और निमृत की शादी होते हुए देखेगी, और ये कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना विराट इसकी बात मानेगा और ना निमृत, नो वन विल ट्रस्ट यू। और ये जो शादी तोड़ने का तुम्हारा सपना है ना, सपना ही रह जाएगा। ओ माय गॉड, चैलेंजिंग लुक, तुम हार चुकी हो, मैं जीत गया हूं। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो? ठीक है ना, एक और ट्राई कर लो, फिर मैं ही जीतूंगा। स्वीटी लेट्स गो, बाय अमृता, गुड बाय बेबी, टेक केयर। मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर लेंगे आप, राजवी ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बुरा नहीं लगा, पता नहीं अब क्या होगा क्या करेगा वो। राजीव बहुत ही समझदार लड़का है, और अपने निम्मी को तो बहुत प्यार करता है। हाँ राजीव बैठना, तेरी बात कर रहे थे, आजा आजा। अरे आजा पुत्र आजा। और राजीव समझ गया है कि गलती निम्मी की नहीं है, बल्कि गलती तो अमृता की भी नहीं है। अब बस कीजिए, क्या कर रहे हैं? अरे सुनो तो, तुम बात मेरी सुनते नहीं हो यार। मेरे कहने का ये मतलब है, देख पुत्र, तेरी तस्वीर देखकर विराट को गुस्सा आया, निमृत गलत समझी, बेबी तो भड़क गई, और दीपिका, दीपिका की तो पूछो ही मत, मतलब कि जिस जिसने वो तस्वीर देखी उसने अपना आपा खो दिया। अब बेबी तुम बताओ, अगर तुम मुझे एक अंधेरी गली में, अंधेरी रात में एक अच्छी सी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसे देखती तो क्या करती? उसके बाल खींच के मैं चार चपेट लगा देती। Exactly! और यही गलत फहमी अमृता, विराट और निम्मी के साथ हुई। हाँ। अच्छा तू बता पुत्र, अगर तुम निम्मी को किसी अनजान लड़के के साथ यूं देखते तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? अरे बिल्कुल आता है डैड, बहुत गुस्सा आता है इसको, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ शायद मुंह तोड़ देता, दिखाता नहीं है बट पोजेसिव बहुत है राजीव, है ना? यही तो बात है, सच ये है कि गलती राजीव की भी है।
आप बात बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो। मेरा मतलब ये है कि अगर राजीव पहले से बता देता कि इसकी दोस्ती में हग वग चलता है तो बात इतनी बिगड़ती नहीं ना बेबे। अरे हम बड़े खुले मिजाज के लोग हैं। हाँ हाँ, खुले विचार और खुले कपड़े सब चलता है हमारे यहाँ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कम बोला करो धर्मपत्नी जी। डैड सही कह रहे हैं राजीव, तू सच सच बता देता कहाँ जा रहा है, मीटिंग का बहाना क्यों किया, हम मना थोड़ा करते। हाँ, अरे तेरे दोस्त को विराट और मैं वैसी मदद कर देते। एग्जैक्टली। पुत्र देख, इसमें ना थोड़ी थोड़ी गलती हम सब की, अब इसमें सॉरी थैंक यू क्या बोलना, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, इसलिए लड़ाई लड़ाई माफ कीजिए, गांधी जी को याद कीजिए। मिट्टी पाव जी। यू आर राइट अंकल जी, आप सही कह रहे हो, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं। वैसे एक बात है पुत्र, मेरी निम्मी खोटा सिक्का नहीं है। खोटा सिक्का ये तब होती जब इसने तुझे किसी और के साथ देखा होता और बुरा ना माना होता, इसलिए ये खोटा सिक्का नहीं है। नो नो अंकल, यू आर राइट अंकल, आई स्टैंड करेक्टेड। निमी, आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। नहीं, इट्स ओके, अब जो भी हुआ सब उसे भूल जाओ प्लीज। सॉरी माय फुट, मुझे बस ये तमाशा खत्म करके निकलना है यहां से। अच्छा, वो मुझे बताना था कि मॉम ने इनविटेशन कार्ड के सैंपल के डिजाइन्स भेजे। मुझे मेल किया है तुम्हारे मॉम ने। निमी, हमें उसे सिलेक्ट करना है। आप लोग डिसाइड कर लेना कौन सा है, मम्मी को बता देना, मैं निकलता हूँ क्योंकि ऑफिस जाना है। ओके, श्योर। सी यू बॉय। आराम से जाना बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेक केयर। या बाय बाय बाय। Cheers. वैसे डैड, मानना तो पड़ेगा आपको, सब कुछ सॉल्व करा दिया, सब ठीक करा दिया और राजीव से सॉरी भी बुलवा ली। पुत्र, तेरे बेबे को 30 साल से संभाल रहा हूं, एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज है। इट्स ट्रू। वैसे डैड, एक बात कहूं, बेबे के साथ साथ मम्मी आपके साथ कभी कभी अनफेयर हो जाती है, एंड आई नो काफी टाइम मॉम गलत भी होती है, मैं ये भी जानता हूँ कि आप जानते हैं, यू नो व्हेन शी इज रॉन्ग, बट फिर भी आप कभी मॉम को टोकते नहीं। क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। पुत्र, जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी खामियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, और तेरी मोम जो है ना, वो दिल की बुरी नहीं है, बस जबान में उसकी मिठास कम है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती है। अब यही उसका स्टाइल है, अब उसमें क्या खिटपिट करूं मैं, आखिर हम सब अपनों के लिए तो सोचते हैं, या उनके लिए जो हमारे लिए काम करते हैं, जैसे तुम शेखर और बिरजू काका के लिए सोचते हो। वैसे बरखुरदार, उस हार में कैश कितना था? Are you serious, Dad? आपका चैनल बहुत तेज है ना? मामी से भी ज्यादा तेज। आपको कैसे पता चला? किसने बताया? बताओ मुझे। मेरे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। अरे मैंने देख लिया था, जब तुम्हारी वो बैंकर वो हार लेकर किचन में घुसी ना, उसके हाथ में हार था, लेकिन जब बाहर आई तो हार नहीं था, और बिरजू काका के फेस में स्माइल थी। बस मैं समझ गया। और बेटा, अपने अतीत के एक बुरे एक्सपीरियंस के लिए अब
अपने आप को जिंदगी भर सजा मत दे बेटा। हर एक लड़की पैसे के पीछे नहीं भागती। अमृता बहुत अलग है, वो सही है, सच्ची है और स्वाभिमानी भी है। शायद तुझे उसे समझने में गलती हो रही है। मुझे सिर्फ निम्मी की शादी से मतलब है, वो ढंग से हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड मॉम के चेहरे पे स्ट्रेस नहीं देख सकता, आप तो जानते हैं। ये एबीसी इसको छोड़िए। रिफिल आ गई तू? कितना शातिर है राजे, इतनी आसानी से सबको बेवकूफ बना दिया। समीर नाम की कोई चीज ही नहीं है ऐसे लोगों में। क्या हुआ मुँ? क्या होगा, फिर वही झूठ की जीत सच की हार। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ एक हो सकता है कि सच ना इंतजार में होगा, झूठ के बेफिक्र होने का इंतजार। फिर देखना, सच उसे उसके मुंह के बल गिराएगा, और ऐसा गिराएगा ना कि झूठ बोलने वाला फिर से अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। पापा पे विश्वास रख, जीतना हमेशा सच की होती है, समझी? कैसे ना, सब कुछ होने के बाद तू इतनी पॉजिटिव कैसे? तेरी अच्छाई के बदले में कुछ मिला तो है नहीं तुझे? ऐसे यकीन कर लेती कि अंत में सही हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ना मैंने कुछ खोया ही नहीं है। पापा ने उसे मुझसे छीन लिया जो शायद मेरा कभी था ही नहीं, और उनको मेरे पास ही रखा जो हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा साथ ही रहेंगे। तो बता मेरा क्या नुकसान हुआ? हाँ अभी रहने के लिए खुद का घर नहीं है, लेकिन सर पे छत तो है, भूख लगी तो खाने के लिए खाना तो है, खुश रहने के लिए और क्या चाहिए होता है? तू है, मेरा हर्षु है, जहान जैसी प्यारी दोस्त है, ये सब तो है मेरे पास। ये शायद मेरी अच्छाइयों का नतीजा है। तो बता जीत किसकी हुई, मेरी कि नहीं? हाँ बिल्कुल, चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले ले। वैसे ना भवानी, तू ना स्टार विनर है, और आगे से तो और भी अच्छा होने वाला है तेरे साथ। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि मिसेस साठे का कॉल आया था और वो गौतम के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड, येड़ी ये क्या खुश होने वाली बात है? और जान तू क्या न्यूज लेके आई तू? ओहो भवानी, तू पहले पूरी गल सुन लिया कर। क्या? क्योंकि मिसेस साठे के कॉल के बाद गौतम ने अलग से फोन किया था ये जानने के लिए कि अमो उसे दोबारा मिलना चाहेगी भी या। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड, ये खुश होने वाली बात है? बिल्कुल। आया रे आया, गौतम का फोन आया। बोलो रे बोलो, लड़के ने क्या बताया? लड़का ले जाना चाहे अमो का डेट पे। काहे का वेट रे, लड़का खड़ा गेट पे। बोलो रे बोलो, अमो क्या बोलू रे? क्या होगा आगे? ए आएगी आएगी, अमु मिलने आएगी, जब दो बेसुरों की तुक बंदी बंद हो जाएगी, जाएगी जाएगी तेरी अमु डेट पे जाएगी। सच में? तेरी खुशी के लिए कुछ भी। एक छोटा सा झूठ बोला है अमु, पर तेरी भलाई के लिए। सर, थैंक यू। हाय,
हाय। हाय के बाद अक्सर लोग बैठने के लिए कहते हैं। हाँ, अब जिस इंसान से मिलने आए हैं ऑफ कोर्स उसे बैठने के लिए कहते हैं। आप किससे मिलने आए हैं? आप वो एक्चुअली जहाँ कौर आंटी मुझे किसी से मिलवाने वाली थी रिश्ते के लिए, तो मतलब आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? आप नहीं, आप प्लीज बैठिए ना। आप वो एक्चुअली कोई बात नहीं, आपको एक्चुअली उल्लू बनाया गया है। एक्चुअली मेरी आई और जहान आंटी को लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी। लगता तो मुझे भी है, पर उस दिन जो मेरी आई का डर सच हो गया ना, उसकी टूटती शादी की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। लेकिन उसने आपको लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी, ना ही जहान आंटी ने, इसलिए मैं ऐसे इधर। देखिए, अब हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा राज होता है जो वो दुनिया से छुपाना चाहते हैं। इस मामले में आप थोड़ी सी अनलकी रही। उस दिन आपके घर का राज ऐसे सबके सामने। अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उस बारे में बात क्यों करें। आप बस प्लीज जहान आंटी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप अपनी आई के हिसाब से ही शादी करेंगे ना, क्योंकि जब तक आप नहीं कहेंगे उनसे, मेरी आई की झूठी उम्मीद बंधी रहेगी। मैं उसे कोई झूठी उम्मीद देना नहीं चाहती। मैं बार बार उसे ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। यार शेकी, मैं निम्मी को दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है तू निम्मी से बहुत प्यार करता है, लेकिन तू अब टेंशन मत लेना। दिलदार अंकल ने सबको संभाल लिया ना, लेकिन एक कमी रह गई भाई। क्या? उस राजीव के ना 2-3 पढ़ने चाहिए थे सॉलिड वाले एकदम। एग्जैक्टली ब्रो। और क्या, ऐसे कोई हकता है? I mean, ऐसे कौन हक करता फिरता है यार, वो भी इतनी रात को, वो भी लड़की को। से याद है भाई, रुक 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 रुक, इधर में रुक रुक रुक, इधर रुक 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 रुक। टीचर्स कॉल। एक सेकंड शेकी, मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो वहां पे कर लिए, सड़े से कैफे में क्या करेगा भाई। मेरे ब्लैडर फट जाएंगे, मैं जा रहा हूं बस। शेकी, मैं जा रहा हूं। शेकी इडियट, इसके नेचर्स कॉल की वजह से मुझे इस सड़े हुए रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। देखने में इतना अनहाइजेनिक लग रहा है। कभी कभी तो उस बैंकर से बड़ा दुश्मन ये लगता है मेरा। आई गेस ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इस रिश्ते को खत्म ही कर रहे हैं, तो क्यों ना एक हैप्पी नोट पे खत्म करें, एक हैप्पी मील के साथ। भाई वॉशरूम किधर? वॉशरूम यहाँ से राइट। ओके। वैसे आपको कैसा लड़का पसंद है? आई मीन लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए आपको? अब देखिए, मेरा तो पत्ता साफी हो चुका है, तो एटलीस्ट मुझे बता सकती हैं एज अ फ्रेंड। एक्चुअली मेरी शादी की प्लानिंग ज्यादा मेरी आई ही करती है, और ऐसा नहीं कि मुझे शादी नहीं करनी। हाँ, करनी है। मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहूंगी उसके और मेरे बीच कुछ तो तालमेल हो, हमारी सोच मिलती हो, जिसके साथ सिर्फ खुशी ही नहीं आंसू भी बांट सकूं, जिसके साथ झगड़ा कर सकूं, क्योंकि वो मेरे बराबर हो, खुद को मेरे बराबर समझता हो। मेरे लिए इक्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं चाहूंगी कि जिसके साथ भी मैं जिंदगी बिताऊं ना, वो मुझे अपने से बराबर का दर्जा दे, खुद से कम ना समझे। आप डिबेट के लिए ये थॉट अच्छा है, शादी में बराबरी, बट ट्रस्ट में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यू नो, हमारा समाज कभी भी एक औरत और मर्द को ना बराबर का ओहदा नहीं देगा। समाज तो हम ही से बनता है ना, हम चाहेंगे तो बराबरी भी होगी। अगर नियत नेक हो, इरादा पक्का हो, तो सब कुछ मुमकिन है।